और मेरा सबसे पहला सवाल एक निवेदन सर से है कि जैसा कि सर हमारे देश में नई एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है, तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आज के इस युवा वर्ग के लिए और स्पेशली जो हमारा सामाजिक अपलिफ्टमेंट है, अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी और हायर एजुकेशन के लिए ये कैसे कारगर साबित हो सकती है? सभागार में उपस्थित सभी का अभिनंदन और सिद्धार्थ परिवार की तरफ से मुझे ये अवसर उपलब्ध कराया गया, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरा तीसरा कार्यक्रम है इस कड़ी में, मैं दो कार्यक्रम पहले कर चुका हूँ, तुलाज इंस्टीट्यूट में किया था, वहाँ पर भी तीन संस्थाओं के बच्चे आए थे। दूसरा मैंने आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हल्द्वानी में किया, वहाँ भी तीन इंस्टीट्यूशन के बच्चे आए थे। यहाँ पर चार संस्थाओं के स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स उपलब्ध हैं, आप सबको हार्दिक अभिनंदन। और जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न के आलोक में मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति में जो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन और जो सीमलेस इंटीग्रेशन की बात की गई है उसको दृष्टिगत रखते हुए आपके विश्वविद्यालय ने विगत सत्र 22-23 से ही अपने सभी पाठ्यक्रमों को पूर्णतया परिमार्जित करते हुए उनमें जो भी हम इंटरडिसिप्लिनरी कंटेंट डाल सकते थे, जो हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज थे उनके माध्यम से उनमें डालने के निर्देश दिए गए और काफ़ी हद तक उसमें परिमार्जन हुआ। और आने वाले समय में निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम बहुविधायी शिक्षा की बात कर रहे हैं उससे आपकी जो आपका हॉरिजन है, जो आपकी जो आपकी जो दृष्टि है उसमें बहुत इजाफा होता है, बहुत बढ़ोतरी होती है। लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष है कि हमने जो भी हमारी बोर्ड ऑफ स्टडीज थी उनको सदैव इस बात की के लिए आगाह किया कि आप मल्टीडिसिप्लिनरी बनाने के चक्कर में कहीं ऐसा मत करिएगा कि उसका जो कोर है, जो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो पर्पज है वो कहीं डिफीट नहीं हो जाना चाहिए। बच्चों को एडिशनल क्रेडिट्स अर्न करके उनके प्रोग्राम को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाने के लिए विश्वविद्यालय की तरफ से आधारभूत ढांचा ऑर्डिनेंसेस के फॉर्म में दिया गया, उसके अनुरूप पाठ्यक्रम भी आए और पाठ्यचर्या भी विकसित हुई। अब तो आपके सारे पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और जल्दी आपको वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा कि मल्टीडिसिप्लिन जो नई शिक्षा नीति है उस नई शिक्षा नीति में जो फोकस है वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का है। अगर हम हायर एजुकेशन सेगमेंट की बात करें तो हायर एजुकेशन सेगमेंट में आज अगर आप एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि कोई अच्छा कोडिंग का काम करता है या कोई वेब डेवलपर है, वो जरूरी नहीं कि वो कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हो, उसके अंदर एक बेसिक कॉम्पिटेंस और बेसिक उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने अंदर लर्निंग और रीलर्निंग, अनलर्निंग, ये सारी तीनों चीजों का उसके अंदर एक समावेश होना चाहिए। वो एक बार कोई चीज सीखी उसके बाद में कुछ परिस्थितियां बदलती हैं, तकनीकी का विकास होता है, उसके अनुरूप अपने को पुनः नई परिस्थिति में अपने को प्रोफेशनल के रूप में तैयार करें। तो आप देखते होंगे आपके चारों तरफ बहुत सारे ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं जिनमें कि अगर आप स्टार्टअप की बात करें या आप किसी बड़े इंडस्ट्रियल सेगमेंट की भी बात करें तो जरूरी नहीं कि पिनाकल पे या टॉप पे जो आदमी बैठा है वो उसका स्पेशलिस्ट हो, उसके अंदर सारी क्षमताओं का एक सामंजस्य और एक बैलेंस बना हुआ है और इसके चलते वो आपको एक अच्छी गुणवत्ता का अभियंता हो सकता है, प्रौद्योगिकविद हो सकता है, प्रबंधक हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, शोधकर्ता हो सकता है। तो जो हमारा उच्च शिक्षा का तंत्र है इसकी ये जिम्मेदारी है कि सभी बच्चों के अंदर एक बेसिक कॉम्पिटेंस क्रिएट करें। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पूरे सिस्टम में आप यदि केजी से लेकर के आज तक की अपनी यात्रा देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि केजी में आपको पहले नंबर सिखाए गए, उसके बाद अल्फाबेट सिखाए गए, लेकिन अब आपको जो 12वीं तक की पढ़ाई हुई उसके बाद कोई नई चीज सिखाई नहीं जाती, सिर्फ उसी का प्रयोग बताया जाता है, उसी का एप्लीकेशन बताया जाता है।
तो वो एप्लीकेशन आप फार्मेसी वाले फार्मेसी के डोमेन में करते हैं, मैनेजमेंट वाले मैनेजमेंट के डोमेन में करते हैं, लॉ वाले लॉ के डोमेन में करते हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वाले अपने डोमेन में करते हैं। तो जो हमारी जो एजुकेशन है, जो हमारी फाउंडेशन है, वो तो हमारी 12वीं के बाद खत्म हो गई। अब हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो जो हम इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसमें अगर हम कोर को सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, और इस बारे में पूरे देश को चिंतित भी होना चाहिए, विशेष करके युवा पीढ़ी को, कि आपकी जो बेसिक कॉम्पिटेंस है वो इंटैक्ट रहे, उसके साथ में आप एडिशनल कॉम्पिटेंसीज अर्न करें। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डोमेन को मजबूती से पकड़ते हुए अपने अंदर जो आज की जो भी इंडस्ट्रियल सिनेरियो है, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको कैपिटलाइज करने के लिए आपको अगर साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि हमें मशीन लर्निंग में काम करना चाहिए तो उसके लिए भी आप अपने को तैयार कर सकते हैं। यदि आपको डेटा साइंस में काम करना है तो उसके लिए भी काम कर सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने एक आधारभूत ढांचे में परिवर्तन किया नई शिक्षा नीति के माध्यम से, ये सारी संभावनाएं बड़ी सहजता से उपलब्ध हो गई। पहले इन सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए हमारे पास जो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है वो नहीं था। इस नई एजुकेशन पॉलिसी ने हमारी सारी हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालयों को ये एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपने प्रोग्राम्स को मल्टीडिसिप्लिनरी बना सके। अब इसमें सिर्फ वर्ड ऑफ कॉशन इतना है कि आपकी जो कोर कॉम्पिटेंस है, जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए आप लोग एडमिशन लेते हैं, अगर एक लॉ का बच्चा है तो उसके लॉ में तो उसको अपनी महारत हासिल करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ में अगर उसको ऐसा लगता है कि वो साइबर लॉ के क्षेत्र में काम कर सकता है, तो उसको साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जो विषय है उनको पढ़ करके अपने अंदर एडिशनल कैपेबिलिटी जनरेट कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो आज की तात्कालिक आवश्यकता है। हो सकता है कि आज से 10 साल बाद साइबर सिक्योरिटी की जगह कोई और नई विधा उत्पन्न हो जाए, तो आपके अंदर इस बात इस प्रकार की एक क्षमता होनी चाहिए कि जो भी बदलता हुआ परिवेश है उसके आलोक में आप अपने अंदर क्षमताओं का विकास कर सके, और यही उच्च शिक्षा तंत्र की जिम्मेदारी है। विश्वविद्यालय के रूप में इस विश्वविद्यालय की ये जिम्मेदारी है कि आपके अंदर एक कॉम्पिटेंसी लर्निंग की पैदा करें, कि आप जो भी सिचुएशन आपके सामने आए उसको आप एनकाउंटर कर सकें, उसका आप सोल्यूशन दे सकें। कोई भी प्रॉब्लम्स स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, प्रॉब्लम्स कभी भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपने देखा कि यहाँ जोशीमठ में दरारें पड़ी, पूरी सिविलाइजेशन एक तरीके से लगा कि खत्म हो जाएगी, तो ये एक समस्या ऐसी है जिसको कि आप थ्रिटिकली नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। आप देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट आपको नाना प्रकार से दिखते हैं, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट नाना प्रकार से दिखते हैं। जब आपको वो दिखते हैं तब आप उसको थ्योरेटिकली मॉडल करते हैं, मॉडल करने के बाद मॉडल को आप एग्जीक्यूट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें इसको हम फोरकास्ट करके कहाँ तक ले जा पाते हैं, कहाँ पे इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होने जा रहे हैं। तो आपके अंदर एक मॉडलिंग की कैपेबिलिटी देना एजुकेशन सिस्टम का काम है। अब वो मॉडलिंग आप किसी सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं, वो मॉडलिंग आप वेदर को फोरकास्टिंग में लगाएं, वो मॉडलिंग आप किसी फार्मास्यूटिकल रिसर्च में लगाएं, तो वो मॉडलिंग के तो बहुत सारे उसकी डायमेंशंस हो सकती हैं। तो जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है आज जो जिस संक्रमण काल से गुजर रहा है, जो चुनौती है वो ये है कि बच्चों के अंदर इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, जिससे उसकी डिपेंडेंसी सिर्फ एक कॉम्पिटेंस पे ना रहे, वो एक से ज्यादा विधाओं में अपने को दक्ष बना करके अपनी दक्षता के सहारे अपने जीवन का जो भी उसके लक्ष्य हो उनको पा सके। धन्यवाद सर, बहुत ही